अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रावस फिश का सालन बना रहे हैं। ये रावस फिश है, इसके हमने दुम और मुंडी का पार्ट ले लिया है और थोड़े से पीसेस ले लिए हैं। और उसमें जो मसाले हमें लगेंगे पीसने वाले मसालों में, ये है काली मिरी, ज़ीरा, गीला नारियल है, बड़ा टुकड़ा था उसको हमने पीसेस में काट लिया है, एक छोटी प्याज है इसे भी हमने चार टुकड़ों में, पांच टुकड़ों में काट लिया है, ये दो तीन हरी मिर्च है, और ये हमारे पास है हरा लहसुन। आप सादा लहसुन भी अपना जो डेली यूज करते हैं वो लहसुन भी ले सकते हैं। लहसुन की कलियाँ हैं, ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, और ये लहसुन की जो पत्ती थी ये हमको हमने इसे बारीक काट लिया है, और ये हरा धनिया है। इसके अलावा हमें मसालों में, पाउडर मसालों में हल्दी, लाल कश्मीरी मिर्च, सादी लाल मिर्च, और ये मिक्स मसाला है ये हम लगेगा, और ज़ीरा हम नहीं डालेंगे, ये धनिया पाउडर हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम नारियल में बना रहे हैं उसे। और तड़के के लिए हमें लगेगी ये कड़े पत्ते के पान, कड़ी पत्ता, अगर ये नहीं है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। सूखी लाल मिर्चें हैं, राई है, ज़ीरा है, चुटकी भर हींग है, और ये मेथी दाना है। उसके बाद हमें लगेगा ये है राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये हम डालेंगे तकरीबन एक प्याली, और ये कोकम है, ये यहाँ पर मिलता है कोकन में, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस या इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये है तो आप ये डालिए, और नहीं है तो आप जो है इमली डाल सकते हैं, कैरी भी डाल सकते हैं। और ये है हसबे जायका, हमें नमक का यूज़ करना है। अभी हम मसाले पीस लेंगे और उसके बाद में आपको बघारते हुए बताते हैं। ये हमने यहाँ पर एक छोटी देगची रख दी है, और इसमें हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, ये सरसों का तेल है जो कि एक प्याली के करीब है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने आपको बताया है कि रावस फिश है, और इसकी मुंडी और दूम का पार्ट और थोड़े से धनिया के पीसेस हमने लिए हैं, और इसका हम शोरबा बनाएंगे, सालन बनाएंगे, और जो बीस के अच्छे वाले पीस है उसको हम फ्राई करके बताएंगे, वो कोई और वीडियो है हमारा उसमें आपको बताएंगे। और अभी यहाँ पर जो है हम ये फिश के सालन का छौंक लगा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं, हमने आपको दिखाई दिए हैं कि ये मेथी दाना है, ज़ीरा है, हींग है, और राई है, और ये मिर्चें हैं। या ऑयल गर्म होने के बाद में हम ये इसमें डालेंगे और इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्च डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मसाला भी तैयार है, हम ये मसाला भी इसमें डालेंगे। हमने फिश को धोकर उसमें नमक और थोड़ा नमक और हल्दी लगा के रखी थी ताकि उसका जो पीकापन है वो चला जाए, इंसान जो पीका हो जाती है, और हमने उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया था। तो अब जब हम यहाँ पर डालेंगे तो हल्दी भी हम कम डालेंगे और नमक भी हम चट के डालेंगे, नमक कम ही डालेंगे और बाद में उसी में जरूरत नहीं तो डालेंगे। अब ये मसाले में शुरू कर दिए हमारी आँच, और अब हम जो है इसमें पाउडर मसाले डाल रहे हैं, हल्दी हम क्योंकि उसमें डाल चुके हैं तो इसलिए हम इसमें हल्दी थोड़ी कम डालेंगे, और उसके बाद में हमको डालना है लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें हमने तीन हरी मिर्चें भी डाली थी, तीन चार, इसमें हम थोड़ा कम ही डालेंगे, और ये सालन वैसे भी चटपटा अच्छा लगता है। और ये लाल मिर्च है तीखी वाली, और ये मिक्स मसाला है, ये कहीं पर भी मिल जाता है, कोई भी शॉप में मसाले की दुकान में आपको मिल जाएगा, मिक्स मसाला कहेंगे तो आप दे देगा वो, और ये हमने दो चम्मच डाल दिए हैं, और गर्म मसाले का यूज़ हम नहीं करेंगे इसमें, नहीं मसाले हमारे हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसको आंच पर हम तेज करके इसको भूनेंगे।
तेल सेपरेट होने तक हमें भूनना है। तेल सेपरेट होने के बाद आपको बताते हैं। मसाले को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम जो है देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से भून गया है और उसका ऑयल भी जो ऊपर हो गया सेपरेट हो गया है और भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम यहाँ पर इसमें कोकम शामिल करते हैं। कोकम से हमको जितना कोकम चाहिए उतना ही कोकम डालेंगे, ज़्यादा खटास हमको नहीं पसंद है इसलिए हम थोड़ा कम डालेंगे। कैरी भी बहुत अच्छी लगती है इसमें और इमली से भी बहुत अच्छा खट्टा हो जाता है। तो हमने थोड़े से पीस कोकम डाले, थोड़े बचा लिए हमने, अगर बाद में लगा जरूरत हुई तो हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। जितना शोरबा हमें चाहिए उतना हम पानी इसमें बढ़ा देंगे। तो आँच को हम तेज कर देते हैं और पानी हम, क्योंकि चावल के साथ में सर्व करेंगे इसलिए थोड़ा शोरबा चाहिए। वैसे आपकी पसंद के हिसाब से आप जो है कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं। हमने पूरा 1 गिलास पानी शामिल करना है, ये पूरा डाल दिया हमने। नमक अभी हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने फिश में ऑलरेडी नमक और हल्दी लगाई थी, लेकिन बहुत कम लगाई थी। तो पर इसको फिश डालेंगे, फिर चखेंगे, अगर कम लगा तो डाल देंगे और नहीं लगा तो फिर जो है जाके अपना तारीफ ठीक है तो वैसे ही चल जाएगा। अब इसमें हम जोश आने देते हैं और उसके बाद में एक जोश आने के बाद में फिश शामिल करते हैं, फिर दिखाते हैं। हमने इसे 5-7 मिनट पका लिया है और ये खूब अच्छे से पक गया है, मसाला भी पक गया है, पानी भी इसमें पक गया है और अब हम इसमें ये फिश जो है वो शामिल करेंगे। ये फिश के पीसेस हम शामिल कर रहे हैं इसमें। तो जलाना नहीं है, इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम नमक चख के देखते हैं इसमें, अगर नमक हमें लगा कि कम है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। नमक कम है, हम थोड़ा नमक मिला देंगे। खटास भी कम लग रही है तो इसलिए हम ये पूरा कोकम इसमें अभी इसको थोड़ा डाल देंगे। इसको डाल के 5 मिनट के बाद हम खोलेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है सालन हमारा। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। उबले हुए चावल के साथ और रोटी चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और अगर किसी को ज़रूरत हुई तो नींबू डाल के भी खा सकते हैं। नींबू रख लें यहाँ पर। हमारा बहुत ही मज़ेदार रावस फिश का सालन तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बताइए। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।